आज की एक्साइटमेंट सबसे हाई और मेहनत हो जाती है। आज मैं पहली बार जा रही हूँ अमन के साथ, कोई गालियाँ दीजिएगा। टोकरी दे रही देरी भिंडी सामने पड़ी कर, भिंडी नहीं है। 1,000-40,000 शर्म करो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मीट माय वाइफ। गुड मॉर्निंग जी गौरव, आज का क्या प्लान है बताना मत। बस इतना बता सकते हैं आज का दिन हमारा इतना एक्साइटिंग है आपका लाइफ में नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो यू नो हाउ वी फील। सबकी लाइफ में, बस तुम्हारी लाइफ में नहीं, सबकी लाइफ में हुआ है, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी हुआ है, पर आज की एक्साइटमेंट सबसे हाई है क्योंकि हमने पूरा प्लान कर लिया पहले क्या उसके बाद क्या, इतने सारे लेवल्स है उसमें, वो भी एक ही जगह पे, आप गेस भी नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, आई कैन क्राई राइट नाउ। नहीं नहीं वो हो जाएगी, बहुत मुश्किल है वो होना, बट हम करके रहेंगे वो चीज। ठीक है गाइस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कोट यार। जिंदगी कभी किसी की आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है, कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ मेहनत करके, और कुछ सही समय पर सही फैसले लेके। क्या समझी थी? हाँ, तो इसमें एक चीज तो मेरे साथ वो होती है सही, क्या? कि कुछ सही समय पर सही फैसले करके। नजरअंदाज थोड़ा सा मुश्किल होता है, बर्दाश्त भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मेहनत हो जाती है, और फैसले सही ले लेती हूँ। लेकिन दो अगर तो मेरे हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अगर इनमें से हम सब चीजें सीख जाए ना तो लाइफ बदल सकती है यार। ये कड़वी चीजें हैं, जितना भी कह लूँ कि लागू करना मुश्किल है, पर जो लोगों ने करा है वो ऑफ कोर्स लाइफ में स्पीड से आगे बढ़े। तो गाइस, पहले तो हम जिस काम से आए थे वो काम कर लिया है, बहुत ज्यादा टाइम लग गया यार। सोचा था कि आधे घंटे में फ्री हो जाएंगे, आज तो कुछ काम ही नहीं है, बट 2 घंटे लग गए, अब जाके फ्री हुए। अब हम जा रहे हैं उस काम के लिए जिसके लिए अमन बहुत ज्यादा अमन मत बोलना है। अमन मत बोलना, अमन इज प्रिटेंडिंग टू बी एक्साइटेड बिकॉज हिज वाइफ इज एक्साइटेड। सो गाइस, आप लोग यही सोच लीजिए कि मैं इस चीज के लिए इतना एक्साइटेड हो रही हूँ, तो आप समझ रहे हो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं इस चीज के लिए खुश और एक्साइटेड हो रही हूँ। गाइस, इसका मतलब मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको, हमारी लाइफ बदल रही है। एक्साइटमेंट पहले किसी और, पहले खिलौना लगता था तो खुश, फिर मोबाइल था खुशी, और गैजेट्स आए और खुशी, घूमना हुआ खुशी, आज हमारी खुशी का लेवल कुछ अलग ही है, कुछ अलग है, जो दर्शा रहा है कि हाँ बाबू राव तेरी उम्र हो रही है। नहीं, कोई उम्र वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, जब मैं मुंबई में थी तब मैं अपने सारे काम खुद करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट अब नहीं करती हूँ, तो आज मैं पहली बार जा रही हूँ अमन के साथ कुछ करने। पहली बार नहीं जा रही? नहीं, मैं पहली बार जा रही हूँ। ये पहली बार जा रही है, मैं तो करता रहता हूँ दूसरों के लिए। ये किसी को भेज देता और वो करके आ जाता है, ये सब काम खुद के काम किए हुए। अरे बता भी तो लोगों को फिर क्या जा रहे हैं, बता दो, जाओ बताओ। तो इतना ज्यादा हमने सस्पेंस क्रिएट कर दिया, और जब पता चलेगा ना सबको कि क्या काम था, तो भाई कोई गालियाँ दीजिएगा। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ रिलेट कर पाएंगी, लेडीज एंड मदर्स स्पेशली दे विल रिलेट, क्योंकि हम जा रहे हैं सब्जी खरीदने। और आज का स्पेशल चीज ये है कि इतिक और खुद सब्जियां छाटेगी। हाँ। क्योंकि सब्जियां तो कई बार लाए हर बार, लेकिन उसमें वो कुछ खराब दे देता है, सड़ी गली, लेकिन आज आज इतिक खुद सब्जियां चूज करेगी अपने हिसाब से, और उसके लिए मैं आया हूँ इसका सिकंदर बॉडीगार्ड। तो गाइस, हुआ क्या कि जैसे अक्सर क्या होता है ना कि कोई सब्जी लाता है तो दूसरे से आप मंगाओगे तो वो अच्छी नहीं लेके आता है, तो आधे से ज्यादा तो खराब होती है, गली हुई होती है, फेंकनी पड़ जाती है, फ्रेश सब्जियां नहीं होती है। तो फिर मैंने अमन से कहा कि भाई बहुत हो गया, तुम मुझे लेके चलो, मैं अपने पसंद की सब्जियां खुद छाटूंगी। तो गाइस, दिस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग, एक एक चीज अच्छे से छाटेगी। भैया कड़वा ना निकले ध्यान से, बट अच्छी तो है ना। हाँ अच्छी है। बाय द वे गाइस, दिस इज सेव। ऐसा क्यों लग रहा है ये थोड़ा मुरझाया हुआ मटर है? वैसे ही तो लग रहा है, देखो ये मटर, ये मटर का बूढ़ा, पर ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और आज अमन की खुशी का ठिकाना नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है। लेकिन तुम्हारी खुशी तो पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सारी सब्जियाँ खुद से देगी। एंड गाइस, पूरी हरी सब्जियाँ खरीदी मैंने, फ्रेश। नहीं पता मैं कितना खुश हूँ, किसी का सपना पूरा कर रहा हूँ मैं, तो मैं भी अपने आप में कितना बड़ा आदमी हूँ। मैंने कभी मैं ऐसा खुश होने का मौका बहुत दूंगी तुम्हें। नहीं, इतना भी नहीं होना प्लीज। गाइस, गर्मियाँ आ गई है,
और सुनाटर अब इसी तरह बाहर ऐसे रिलैक्स करती है हवा में. अभी तो फिर भी अभी कुछ, तो कुछ नहीं, नहीं है. अभी तो देखना आप कहाँ रिलैक्स करेगी नाली में. पर अपने घर की बिटिया है तो कुछ कहेंगे नहीं, जाओ नाली में झूमो फिरो नाचो. जो नाली की फीलिंग आती है तुम्हें तो पता होगा अच्छे से. कैसे तुम्हें पता होगा, मुझे क्या पता होगा गंदे. बहुत रूड हो तुम. अच्छा, गाजर, खीरा और मेथी, धनिया, मेथी, धनिया सब कुछ केवल आपकी. तो मेथी सब्जी लाना सीख के तुम कुछ रुलाओगे क्या? ये पता है क्या कर रहा था ये, वहां जाके दुकान वाले से भी सेटिंग कर रहा था कि अगर हम फोन कर दे तो आप घर भिजा दोगे. मतलब जो खुशी खुद से खरीदने में होती है और छाट के लेने में होती है वो घर. अगर कभी कभार बाई चांस ना जा पाए, एक बार होना चाहिए आदमी का नंबर. नहीं नहीं नहीं, ये क्वालिटी इसीलिए क्योंकि खुद लेके आए हैं. है ना माँ, सही कह रहे ना. तो तुम दोनों को हमने मिलवा दिया, अब तुम दोनों चले जाना साथ में. नहीं तो तुम ही नहीं आई थी, टोकरी दे रही दे रही फिर चूज कर रही फिर हटा रही एक और. तो तुम्हें क्या कर, तुम तो खड़े थे, तुमने क्या किया? देख के माथा एकदम घूम गया ना, समझ नहीं आया. दूसरी बात, तुम भी टोकरी उठा के धीरे धीरे तुम्हें सिखा रहे कि कभी मैं या माँ ना जा पाए. इस बात की जिम्मेदारियों के साथ उम्र कैसे उम्र है मेरे अंदर. भैया ने फ्री में धनिया और मिर्च भी डाल दी थी उसमें. ओ भाई धनिया में, अगर तुम ऑनलाइन खरीदोगे तो तुम्हें मिलेगी फ्री की धनिया मिर्च. मैं नहीं नहीं खरीद रहा था भाई, ऑनलाइन खरीद नहीं रहा था. हम फल सब्जी कभी भी हम ऑनलाइन खरीदने के पक्षकार. हाँ अब कल कल जो सब्जियां ली थी बाहर से अच्छी थी, अंदर से खराब निकली. लोगों को भी बेटा करेंगे हाँ. मम्मी बोलती है ऑनलाइन मत लो, क्योंकि हकीकत बता रहे हैं हम दुकानदारों के पास जाते जो होते हैं, हम गाड़ी में बैठे रहते भैया ये सब्जी डाल दो वो सब्जी डाल दो सब डाल के दे देते, कहते पैसा बता दो. तो कहते भैया भिंडी है भिंडी डाल दो ना आधा किलो. कहता है नहीं नहीं भाभी जी भिंडी नहीं है, भिंडी सामने पड़ी कह रहे भिंडी नहीं है. कहते नहीं 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 अच्छी नहीं है भिंडी. तो इतने वॉलेज रहते हैं. या फल भी ले लो ना तो सामने पड़ा होगा, कहने आज आपको सेब नहीं देंगे. हमने कहा जरूरत है भैया? कहते नहीं नहीं जाके कल ले लीजिएगा. तो जो हम लोग लोकल वालों से खरीदते हैं ना मन, क्या है कि एक तो वो लोग जो पैसे कमाते हैं, पैसे कमाना तो सबके लिए है, बेचारा सारा दिन खड़े रहते हैं, लेकिन वो जो हम लोगों की मतलब एक एक जो रिश्ता बन जाता है ना मन, कभी नहीं खड़ा होना पड़ता. मुझे विश्वास करो कि मुझे सेब छाटना है. कहते जो आप ले लीजिए, हमने कहा ना हमें पता आप हमसे ज्यादा समझदार है, आप हम अच्छा नहीं चाहतेंगे, पर आपको हमसे ज्यादा समझदार है, आप हमें अच्छा ही देंगे. भैया ये छोटे छोटे दुकानदार आसपास इतने रहते हैं और बेचारों से पैसे भी कम नहीं करवाना चाहिए. तो गाइस निकलते हैं काम पे और आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में. बाय क्यूटी, सी यू टुमारो, लव यू. सो गाइस तेल भरवा लिया गाड़ी में क्योंकि कल हमें जाना है सब्जी लेने फिर से. हेलो प्यारी लड़की. हेलो सॉन्ट्री बच्ची, शर्माओ मत, देखो हमारे घर की सॉन्ट्री कितनी प्यारी है ना. अभी मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी ना, ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है सब. कोई कंप्लेन नहीं करेगा मेरी मम्मी. सुनोगी तुम एक भी शब्द मेरे खिलाफ, मेरी मम्मी तुम्हें डांट देंगी, एक भी शब्द मेरे खिलाफ नहीं सुनेंगी. अगर तुम अलाउ कर दो बताने के लिए तो मैं बता दूं. मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ. देखा क्योंकि अमन गिल्टी है. गिल्टी नहीं हो, एक छोटी सी गलती हो गई गाइस, मैं मानता हूँ. पर ये भी मैं मानता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ ना. नहीं माफ कर दो, माफ कर दो, मैं सभी ले लो 40 रुपए, जल्दी आओ कमरे में. 40,000 फिर तो इस हिसाब से तुम्हें मुझे करोड़ों देने पड़ेंगे. जो तुम मेरे साथ व्यवहार करती हो, मेरे पीठ पे कोड़े के निशान है, वो सब दिखा दो, प्रूफ दे दो. सॉरी थी वो तो सूख गए. नाइट बाबा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट. ये चक्कर मार रहे हैं, खाना पचा रहे हैं. गुड जॉब. सो गाइस आज जो मैंने डिनर में अमन को पालक का सूप पिलाया, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, लेकिन ऐसा लग रहा है उसको पीने के बाद ये ढीला पड़ गया है. क्योंकि गाइस सच बताना अलाउड नहीं है, बट बहुत हेल्दी पालक टमाटर सूप, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी. आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत स्पाइसी तड़के वाला. हाँ हाँ सच है दोस्तों. और उसके बाद उसने फिर बिरयानी खाई. तो भाई बिरयानी कौन नहीं खाता, जो बिरयानी नहीं खाता उसको शर्म आनी चाहिए. मैं तो नहीं खाती, शर्म करो. तो इतनी गौरव तुम रेडी क्वेश्चन के लिए? हाँ. ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन भेजा है किरण पनवर ने फिर से. तो सुना हुआ है. हाँ हाँ पहले भी भेजा है, इस बार फिर से भेजा. अच्छा, है अब ये बताओ, तुम जितना मुझे लेते हो मैं उतना छूटता जाता हूँ, मैं क्या हूँ? हवा, रेत, थोड़ा मतलब क्या, थोड़ा तो आंसर बताना है. नहीं, 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 मतलब किस तरीके से थोड़ा ऐसा. हाँ तो इसी तरह जिस तरीके, नहीं जिस तरीके बता रही हूँ उसी तरीके. तुम जितना मुझे लेते हो मैं उतना पीछे छूटता चला जाता हूँ. टाइम ही तो होगा, टेंशन, जितनी टेंशन लोगे आप उतनी. नहीं नहीं वो तो पीछे का जाएगी.
तुम जितना मुझे लेते हो मैं उतना पीछे छूटता चला जाता हूँ। बताओ आंसर। हाँ? बहुत इजी। क्या? फुटस्टेप्स। ये गाइस बहुत कॉमन था, ये तो मैंने बल्कि खुद बनाया था, फिर मैंने किरण परमर को भेजा, उसने मुझे वापस भेजा। अच्छा देखा, यही तो इसकी आदत है क्रेडिट लेने की। नहीं क्रेडिट नहीं ले रहा, जब भी कोई काम अच्छा हो जाता है ना ये क्रेडिट लेने आ जाता है। देखो किरण, देखो तुम्हारे साथ क्या कर दिया इसने। अरे किरण तुम्हें भी नहीं छोड़ा। अरे किरण, अरे यार चुप रहो। तो ये क्वेश्चन भेजा है सुरभि भुवन चुग ने। आर यू रेडी? यस। डन? डन। तो ठीक है और एंड करते डन। ओके डन, मैंने आई एम अ नंबर। ठीक है, अगर तुम मेरे में से एक लेटर ले लेते हो तो मैं इवन नंबर बन जाता हूँ। सेवन। जैसे इसने क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना गाइस कि मैं एक नंबर हूँ, मेरे माइंड में जवाब आ गया था सेवन। मैं सोच रही थी कि क्या मैं तुरंत दे दूँ, बट मैं इसकी तरह ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना चाहती थी ना, इसलिए मैं सोचा कि नहीं, क्वेश्चन तो मैं पूरा सुनूंगी और जवाब भी तभी दूंगी जब सही समय आएगा। मैंने जानबूझकर क्वेश्चन पूछा था कि मैं खुद को एक लेसन सिखा पाऊं। ये बड़ा हीरो बन रहा है मेरे सामने। मेरा मूसा निकल गई, मेरी जबान फिसल गई। इसी बात पे सब्सक्राइब करो यार, फुल स्पीड से धड़ल्ले से, ठीक है, वायरल कर दो वीडियो यार। हाँ यार, हिला दो सबको, सबको टैग कर दो, सारे शाहरुख खान, सलमान खान, सारे हीरो, अमिताभ बच्चन, वायरल। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। गुड नाइट गाइज। गुड नाइट।